की जय। नंदकिशोर यादव अमर रहे। गौ रक्षक नंदकिशोर यादव जी, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर और गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हमारे लिए वो हमेशा अमर रहेंगे। और हम सरकार से, हमारी सोई हुई से, हमारी सोई हुई सरकार से ये आग्रह करेंगे कि वो जागे और हमें न्याय दिलाए। नंदकिशोर यादव की मतलब शहादत हम लोग यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैडम सरकार का पता नहीं, यहाँ प्रशासन सुरक्षित नहीं है, हम लोग सुरक्षित नहीं है। अगर आवाज़ उठाना पड़ेगा हम लोग खुद उठाएंगे और हम लोग खुद इसको सुरक्षा बनाएंगे। बिहार बदल रहा है। हम लोग एक ईमानदार जो अधिकारी थे इनके लिए ये कैंडल मार्चा निकाला गया है और वो अपने कर्म के दरमियान में शहीद हुए हैं, इसी के लिए उनके लिए हम लोग ये कैंडल मार्चा निकाले हैं और इसलिए भारत माता की। दोस्तों अभी हम दल सिंह सराय थाना के सामने में है और 14 अगस्त को नंदकिशोर यादव जो कि मोहनपुर ओपी के SHO है उनको 14 अगस्त को बस्सी तस्करी के द्वारा उनको आंखों में गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके लिए महाकाल दल के द्वारा यहां पर कैंडल मार्च निकाला गया है। जो आप देख सकते हैं शहीद नंदकिशोर यादव और ये लोग निकाले हैं कैंडल मार्च और लगातार नारा लगा रहे हैं कि हत्यारे को फांसी दो। और देख रहे क्यों निकाले कैंडल मार्च क्यों निकाले हैं? एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी का हत्या कर दिया गया, उसके पक्ष में हम लोग उनके आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं। क्या लग रहा है प्रशासन जब हमारे बिहार में सुरक्षित नहीं है, जनता सुरक्षित है क्या? ये जंगल राष्ट्र की सरकार है, इसमें कुछ भी कहना असंभव है, कुछ भी कहना असंभव है। और हम इसमें राजनीति पक्ष से कभी कहीं नहीं है और मैं आत्मा को श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। हम लोग एक ईमानदार जो अधिकारी थे इनके लिए ये कैंडल मार्च निकाला गया है और वो अपने कर्म के दरमियान में शहीद हुए हैं, इसी के लिए उनके लिए हम लोग ये कैंडल मार्च निकाले हैं और इसलिए भारत माता की। लगातार ये लोग नारा लगा रहे हैं और देख सकते हैं महाकाल दल के ये लोग सदस्य हैं, सभी सदस्य यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगातार कैंडल मार्च क्यों निकाले? यह जो आप देख रहे हैं कैंडल मार्च यह जय महाकाल दल द्वारा निकाला गया है और इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग सब युवा मिलकर और चाह रहे हैं इनको न्याय मिले। जो गौ तस्करों द्वारा हत्या की गई है उनको जल्द से जल्द फांसी मिले, अगर फांसी नहीं मिलती है दोबारा हम निकालते रहेंगे। जंगल राज का सरकार आ चुका है, जंगल राज है। मैडम सरकार का पता नहीं, यहाँ प्रशासन सुरक्षित नहीं है, हम लोग सुरक्षित नहीं है। अगर आवाज़ उठाना पड़ेगा हम लोग खुद उठाएंगे और हम लोग खुद इसको सुरक्षा बनाएंगे। बिहार बदल रहा है, बिहार इतना बदल रहा है कि प्रशासन का ही जान चला जा रहा है। मैडम बिहार बदल रहा है, प्रशासन जा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ है कि बिहार के युवा भी बदल रहे हैं। अब पिछले वाली बात तो नहीं है कि कुछ कहे सब चल दिए, अब युवा बदल रहे हैं। हम लोग हमेशा संघर्ष साथ खड़ा रहेंगे और हर बार बोलेंगे कि यादव अमर रहे, भारत माता की, हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो। काफी आक्रोशित है, काफी गुस्साए हुए हैं, लगातार कैंडल मार्च निकाल कर एक ही नारा लगा रहे हैं कि मैम। हम लोगों का सबसे मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे गौ रक्षक नंदकिशोर यादव जी, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर और गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हमारे लिए वो हमेशा अमर रहेंगे। और हम सरकार से, हमारी सोई हुई सरकार से ये आग्रह करेंगे कि वो जागे और हमें न्याय दिलाए। नंदकिशोर यादव की मतलब शहादत हम लोग यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उनको पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। और इसके लिए पूरा महाकाल दल परिवार आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता है, जहां भी गौ तस्कर नजर आए उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे, महाकाल दल के कार्यकर्ताओं को दे। हम लोग प्रशासनिक सहायता से और प्रशासन के मदद से उन गौ तस्करों पर में मतलब उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की सरकार से मांग करेंगे। और हमारे नंदकिशोर यादव जी की जिस प्रकार निर्मम हत्या हुई है उसके ऊपर जल्द से जल्द हमें न्याय चाहिए, भारत माता के। सर्वप्रथम हमारे भाई, एक हमारे प्रशासनिक अधिकारी जिनकी निर्मम हत्या की गई है गौ तस्करों के द्वारा, आज हम लोग आक्रोश अपना दिल पूरा झकझोर गया उनके परिवार के लिए, उनके मतलब उनके जाने के बाद उनके परिवार की क्या स्थिति होगी। और एक गौ तस्कर ने कभी ने सोचा नहीं कि उनके प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर मैं गोली चला करके कि उनका क्या नतीजा होगा। हम महाकाल दल के प्रत्येक मेंबरों से आग्रह करते हैं कि आप लोग स्पाई की तरह पूरे राज्य में जहां भी हो गौ तस्कर का पता लगे प्रशासन को सूचित करें और प्रशासन की मदद से उन्हें गिरफ्तार करवाने में मदद करें, ताकि हमारे नंदकिशोर यादव जी का हत्या जो हुआ है, निर्मम हत्या जो हुआ है, उसका जल्द से जल्द बदला लिया जा सके। और जितने भी गौ तस्कर हैं वो भय से भयभीत होकर हमारा बिहार, हमारा भारत खदेड़ करके हम उनको भगाए, भारत माता की। नंदकिशोर यादव गौ तस्करी बंद करो, न्याय के लिए ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। नंदकिशोर यादव आज में गोली मारकर
तस्कर जो हत्या